ब्लैक गोकू को जकड़े रहता है। हर्ट्स बेहोश था। विजेटा ब्लैक को गोकू को छोड़ने के लिए कहता है और अपने हाथों में एक एनर्जी ब्लास्ट बनाने लगता है। ब्लैक गोकू को दूर फेंक देता है। ब्लैक विजेटा को बताता है कि ब्लैक ने अपना फ्यूचर फ्यूज से सुना है। लगता था ब्लैक उस टाइमलाइन के पहले से आया है जब जेनर ने उसे नष्ट कर दिया था। ब्लैक बताता है कि उसने कई टाइमलाइंस को पार कर सभी टाइमलाइंस में गोकू से लड़ाई की है। यह मेरा 100वां लड़ाई है। उसके बाद यह बॉडी मेरी हो जाएगी। विजेटा उस एनर्जी ब्लास्ट को जैसे ही चलाने की कोशिश करने लगता है, उसकी वह नई एनर्जी गायब हो जाती है क्योंकि उस नए पावर में वह अभी पूरी तरह मास्टर नहीं था। ब्लैक विजेटा को खत्म करने के लिए एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है, लेकिन एक सिल्वर ऑरा ब्लैक का ध्यान खींचती है। गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में बदल जाता है जिससे ब्लैक के हमले बेकार जाने लगते हैं। ब्लैक अटैक करना रोक देता है और कहता है, अगर तुम खुद को इवॉल्व कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी गोकू जो हूँ। ब्लैक उस प्लैनेट को उड़ाने की सोचता है। सभी वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन गोकू को टेलीपोर्ट करने के लिए कोई एनर्जी नहीं महसूस हो रही थी। प्लैनेट फटने ही वाला था तभी वहाँ सेल आ जाता है। सभी योद्धा सेल को देख हैरान होते हैं। सेल पर ब्लैक ब्लास्ट करने ही वाला था कि टर्ल्स उस पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे ब्लैक चिढ़कर टर्ल्स को एक एनर्जी ब्लास्ट उड़ा देता है। सेल सभी को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। लगता था सेल को भेजने वाला डीमन किंग था। ब्लैक भी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वह प्लैनेट फट जाता है। सभी वॉरियर किसी दूसरे प्लैनेट पर आते हैं। गोकू के पहुँचने पर सेल उसे बताता है, जिस तरह हर्ष आया है मैं भी आया हूँ। विजेटा कहता है, तुमने हमें क्यों बचाया? गोकू कहता है, क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो? सेल कहता है, जल्दबाजी मत करो, जो मैं कहता हूँ उसे सुनो। वहाँ पर कोई और भी अनजान वॉरियर आता है जिससे गोकू विजेटा हैरान होते हैं। कौन है ये नए वॉरियर? सेल का क्या प्लान है? जानने के लिए देखना ना भूले सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज का अगला एपिसोड।